हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ चार तरीके का मिक्स वेज पराठा। यह हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। पहले मिक्स वेज पराठे को बिना स्टफ किए बनाएंगे, तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में एक बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई 1/3 कप शिमला मिर्च डाल देंगे। मैं यहाँ ग्रीन और ऑरेंज कलर की शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद चॉपर की मदद से मैं पत्ता गोभी को बारीक चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो पत्ता गोभी को घिस सकते हैं या नाइफ की मदद से बारीक चॉप कर लें। पत्ता गोभी बिल्कुल बारीक चॉप हो गई है, इसे भी हम बोल में डाल देंगे। बिल्कुल इसी तरह मैंने गाजर को भी चॉप कर लिया है, इसे भी बोल में डाल देंगे। इसके बाद इसमें एक बारीक कटी हुई मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे। आप इसकी जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर को इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो पनीर की जगह तोफू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पनीर के बाद अब इसमें धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़े कड़ी पत्ता कट करके डाल सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसका हम आटा गूंथने वाले हैं, सो नमक उस हिसाब से ऐड करिएगा। अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की सब्जियाँ ऐड करें, और अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं। सारी सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें आटा ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ। अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें 1.5 कप गेहूं का आटा डालें और 1/2 कप कोई और आटा ऐड कर सकते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा या रागी। आटा डालने के बाद इसमें तुरंत पानी ना ऐड करें। पहले आटे को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि सब्जियों में भी अपना मॉइस्चर रहता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही पानी डाल दिया तो हो सकता है आपका आटा ज़्यादा गीला हो जाए। सब्जियाँ और आटा अच्छे से मिक्स हो गया है और यह मिक्सचर काफ़ी ड्राई है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूँथ लेंगे। इसका सख्त आटा गूँथना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूँथिएगा, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं ऐड करिएगा। आटा गूँथ चुका है, अब इसे पराठे बना लेंगे। अगर आप बाद में पराठे बनाने वाले हैं तो जो सब्जियाँ हैं वह पानी छोड़ लगेंगी और ये जो आटा है वह काफ़ी गीला हो जाएगा। कोशिश करिएगा आटा गूँथने के तुरंत बाद इसे पराठे बना लें। अब इसे बेल लेते हैं। चकले पर थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे और एक ब्लोई लेकर इसे इस तरीके से हाथों पर रोल कर लेंगे, और बेलने से पहले इसे हाथों की मदद से थोड़ा चपटा कर लेंगे। और अब इसे बेल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा, इसे हल्का सा मोटा रखिएगा। इसे बेल लेने के बाद अब एक कटोरी ले लेंगे और पराठे पर इस तरीके से रख देंगे और सर्कल कट कर लेंगे। किनारों को हटा देंगे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल शेप बना है। अब इस पराठे को तवे पर सेक लेंगे। तवा गर्म हो चुका है, इस पर पराठा रख देंगे। नीचे से हल्का सिक जाने के बाद इसे पलट लेंगे और इस पर घी लगा देंगे, और वापस से पलट कर दूसरी साइड पर भी घी लगा देंगे। इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा, जिसकी वजह से यह पराठे हल्के से क्रिस्पी बनते हैं। पराठे को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। पराठा दोनों साइड से अच्छे से पक गया, इसे तवे से उतार लेंगे। ये देखिए, पराठे देखने में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। नेक्स्ट रेसिपी है मुगलई पराठा। पहले इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। इसके बाद इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें 1/3 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/3 कप बंद गोभी, 2 हरी मिर्च डाल देंगे। अब इन सारी सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, बस हल्की सॉफ्ट हो जाए उतना ही देर पकाएंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून टमाटर ऐड करेंगे। इसे सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मसाले ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। इन सारे मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पनीर को मसल कर डाल देंगे। आप चाहें तो पनीर को घिस भी सकते हैं, और इसे सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 उबले हुए आलू डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह मुगलई पराठा है, इसलिए इसकी स्टफिंग में
काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, अब गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में इसमें थोड़ी धनिया की पत्ती डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इस स्टफिंग को हल्का ठंडा होने देंगे। अब इसे पराठे बना लेते हैं। थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसे चकली पर जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखना है। ये देखिए मैंने इसे काफ़ी पतला बेल लिया, अब इसमें स्टफिंग भरेंगे। रोटी के सेंटर में 2 से 3 चम्मच स्टफिंग रख देंगे। इसे हाथों या चम्मच की मदद से हल्का प्रेस करते हुए चाकू शेप दे देंगे। अब किनारों को इस तरीके से पकड़ते हुए फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे एक बार फिर से बहुत ही हल्के हाथ से बेल लेंगे। बस इसे 2 बार इस तरीके से घुमाकर बेल लेंगे। यह अच्छे से बेल चुका है और आटा कहीं से फटा भी नहीं। अब इसे सेक लेते हैं। जिस साइड से इसे फोल्ड किया था उस साइड से इसे तवे पर रख देंगे। हल्का सेक जाने के बाद इसे पलट लेंगे और इस पर घी लगा देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखना है। घी लगाने के बाद इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड पे भी घी लगा देंगे। जिस साइड से इसे फोल्ड किया है उस साइड को अच्छे से पकाइएगा। लो फ्लेम पर पकाएंगे तो अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। अब इस पराठे को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। पराठा अच्छे से सिक गया है और जिस साइड हमने फोल्ड किया था वो साइड भी बहुत अच्छे से पक गई है। मुगली पराठा बिल्कुल रेडी है। सेम इसी तरह बाकी पराठे भी बना लेंगे। नेक्स्ट रेसिपी है महाराजा पराठा। पहले इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। बोल में 1/4 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी ले लेंगे। 1 टेबलस्पून बीन्स ले लेंगे। 2 टेबलस्पून प्याज, 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च, 3 टेबलस्पून घिसी हुई गाजर, 2 टेबलस्पून चुकंदर, 1 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे। अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पनीर घिसकर डाल देंगे। आप चाहें तो पनीर की जगह टोफू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही में थोड़ा सा चीज़ घिसकर डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टफिंग में आप सब्जियों और मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग में चीज़ ऐड होने की वजह से जो पराठा है उसका टेस्ट और बढ़िया लगता है। स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, अब फटाफट पराठा बना लेंगे। चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे। पराठा बनाने के लिए थोड़े बड़े साइज़ का डो लेना है। चपाती बनाने के लिए हम जो आटा लगाते हैं मैं वही आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस आटे को थोड़ा सा मोटा रखिएगा ताकि जब हम इसमें स्टफिंग भरें तो वो फट के बाहर ना आ जाए। इस पर मैंने लगभग आधी स्टफिंग रख दी है। अब इस स्टफिंग को आटे से अच्छे से सील कर देंगे। स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते हुए इसे बंद कर लेंगे। इस स्टफिंग से 2 बड़े बड़े पराठे बन जाते हैं। इसे अच्छे से बंद करने के बाद चकले पर रख लेंगे और हाथों से इसे हल्का प्रेस कर देंगे ताकि जो अंदर की स्टफिंग है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। और अब इसे बेल लेंगे। इसे हल्के हाथ से बेलिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सूखी सब्जियां हैं जो बाहर आ सकती हैं। पराठा अच्छे से बेल लेने के बाद अब इसे तवे पर सेक लेंगे। अब पराठे को तवे पर रख देंगे। पराठा एक साइड से हल्का सिक जाएगा, उसके बाद इसे पलट लेंगे और इस साइड पे घी लगा लेंगे। आप चाहें तो बटर या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा थोड़ा मोटा लिया है हमने, सो इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पर सेकिएगा ताकि यह अच्छे से अंदर तक पक जाए। पलटने के बाद इसकी दूसरी साइड पर भी घी लगा देंगे और अब इसे तब तक सेकेंगे जब तक यह दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए पराठे का कलर चेंज हो चुका है, यह दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। इस पर बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब इसे तवे से उतार लेंगे और एक प्लेट पर सर्व करेंगे। अब एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी ऊपरी लेयर को कट कर लेंगे। बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह इसकी ऊपर की लेयर के इस तरीके से पीसेस कट कर लेंगे। इसके बाद नाइफ़ की मदद से ऊपर की लेयर को इस तरीके से अलग कर लेंगे। ध्यान से इसी तरीके से सारी लेयर को ओपन कर देंगे। इसके बाद इसमें एक सिका हुआ पापड़ तोड़कर डाल देंगे। इसे मैंने तवे पर सेक लिया है। पापड़ के बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस ना करें वरना यह गरम गरम स्टफिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे।
इसके बाद पापड़ के ऊपर चीज़ घिस कर डाल देंगे। और इसी के साथ महाराजा पराठा बिल्कुल रेडी है। इसे आप हरी चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है स्टफ्ड मिक्स वेज पराठा। सबसे पहले स्टफिंग बना लेते हैं। एक बोल में 2 टेबलस्पून कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च, 1/4 कप घिसा हुआ फूल गोभी, 1/3 कप घिसा हुआ पनीर, 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पनीर की जगह टोफू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब इसे पराठे बना लेते हैं। थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसे हाथों पर रोल करने के बाद कटोरी की शेप दे देंगे। और अब इसमें स्टफिंग भर देंगे। लगभग 2 से 3 चम्मच स्टफिंग भर देंगे। अब इस स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते हुए बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसे हल्का प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने की वजह से ये जो स्टफिंग है वो इवनली स्प्रेड हो जाएगी। अब इस पराठे को बेल लेंगे। जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेलिएगा। बेलने के बाद अब इसे सेक लेते हैं। इसे नीचे साइड से हल्का सेकने देंगे। नीचे से हल्का सेक जाने के बाद इसे पलट लेंगे और इस पर घी या ऑयल लगा देंगे। इसे पलट कर दूसरी साइड पर भी घी लगा देंगे और इसे 1 से 2 बार पलट पलट कर तब तक सेकेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। पराठा दोनों साइड से अच्छे से सेक गया है। पराठा बिल्कुल रेडी है। इसे तवे से उतार लेंगे। यह मिक्स वेज पराठा बहुत ही हेल्दी है और साथ में टेस्टी भी है। आई होप आपको ये 4 मिक्स वेज पराठे की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।